तरह से भोले बाबा काफी भोले हैं। अरे जो भक्त उनके ऊपर चढ़ करके घंटा चुराने गया था, उन्होंने उसे भी वरदान दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये मुझे अपना तन अर्पण कर रहा है, तो मतलब भोले बाबा सच में बहुत भोले। तो डोकरी कहवे थे तो घणे भोले, अरे वो चोर चोरी करने आया था, आपने उसे भी वरदान दे दिया, तो इसलिए ये तो छोटा सा बालक है, थारो डीकरो है, अरे थोड़ी कृपा इस पर भी कर दो। उतने में ही एक आकाशवाणी होती कि मैया चिंता कोनी कर, अरे मंदिर बाहर जा, बैठे एक साधु बैठिया है, उनरे पास जई जो, पाचे थारो नरसी ठीक हो जा। जैसे आकाशवाणी सुनी, डोकरी ने पकड़ा नरसी जीरो हाथ, दौड़ी दौड़ी चली गई मंदिर बाहर। अब मंदिर बाहर देख रही है कि अठे साधु कुण बैठिया है, पाचे नजर पड़ी एक साधु बैठिया है। डोकरी नरसी जी ने कहवे शहर में बटे चाल, तो हाथ पकड़े और दौड़ी दौड़ी चली गई। लेकिन महाराज साधु देख लिया कि एक डोकरी आ रही है, साधु कहवे डोकरी घणो परेशान करे, तो इसलिए डोकरी परेशान ना करे साधु ने नेत्र बंद कर लिए। पर महाराज डोकरी ने देख लिया है कि साधु ने डोकरी ने देख बंद करिया है, तो पाछे डोकरी गई। अब संत जो है वो नेत्र बंद करे है, डोकरी जार कहवे महाराज ओ मरा, अरे सुनो तो सरी, पर महाराज सुन नहीं रहे। डोकरी पाछे कहवे अरे महाराज ओ महाराज सुनो तो सरी, अभी भी नहीं सुना है। डोकरी कहवे सुनो तो थाने पड़े, डोकरी पाछे कहवे अरे महाराज ओ महाराज, अरे महाराज सुनो तो सरी, बीबी संत नहीं सुन रहे। पाछे डोकरी कहवे सब जानू कि क्यों ये सब कर रहे हो, डोकरी कहवे जद तक थे आंखिया कोनी खोलो तब तक मैं थारो नाम लू। डोकरी पाछे कहने लगी महाराज ओ महाराज, अरे महाराज सुनो तो सरी, अभी भी नहीं सुना है। पाछे डोकरी जो बोलना चालू है, अरे महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज सुनो तो सरी। संत सोच रहे हैं डोकरी घणो परेशान करे, सोचते थोड़ी देर में चली जाए, पर महाराज डोकरी भी वहां से हिल नहीं रही, जो खड़ी तो खड़ी। अब डोकरी एक सांस में जो बोलना चालू है, अरे महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, अरे सुनो तो सरी। पाछे संत घबरा गए, नेत्र खोल लिया है कि वे डोकरी धीरज राख, कब से महाराज महाराज चिल्ला रही है। तो डोकरी हाथ जोड़ के वे कि देखो आकाशवाणी हुई थी, अब उमें कहा है कि थे मारे नरसी ने ठीक करो, तो मैं जानू कि आप उसे ठीक कर सको, बहुत परेशान है आप रोई छोरो है, इके ऊपर कृपा कर दो। तब महाराज व संत देखते हैं नरसी जी को, अब नरसी जी को देख करके कहते हैं कि डोकरी अरे ये नरसी बोले ही कोनी, अरे ये ऐसो बोले कि पाछी इनके पदों को पूरी दुनिया गई, तो चिंता कोनी कर। तो डोकरी कहवे उके लिए कुछ करो तो सरी, अरे ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो। तो संत कहवे नरसी जी से इशारे में अपने पास बुलाते, नरसी जी आए हैं बिठा लिया है। पाछे नरसी जी रे कान रे पास अपनो मुख लेकर के जाते और कहवे कि बोलो बेटा राधे कृष्ण। डोकरी कहवे इसे कही हुआ, अरे घणे साधु संतरे पास लेर गई उसे कुछ को नहीं हुआ, पाछे राधे कृष्णा बोलने से कही हुए,
संत कहवे धीरज तुरंत, पाछे वो फिर से कहे कि बोलो बेटा राधे कृष्ण। अब दो तीन बार कहते हैं कि बोलो बेटा राधे कृष्ण। अब महाराज चमत्कार हो गयो, सच में नरसिंह जी बोलने लगे राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो डोकरी देखती रहेगी कि मारो नरसिंह बोलने लग गयो, मारो नरसिंह सुनने लग गयो। आज तो खुशी रो ठिकानो कोनी, यहां से वहां घूम रही है, पूरे जूनागढ़ में ढिंडोरा पीट रही है कि मारो नरसिंह बोलने लग गयो सुनने लग गयो। डोकरी से ज्यादा कोई खुश नहीं है। अब महाराज इसके बाद जो नरसिंह जी हैं वो ठीक हो गए, बोलने लगे हैं, सुनने लगे हैं। अब नरसिंह जी डोकरी की छत्र छाया में बड़े हुए। उसके बाद नरसिंह जी ने एक व्यापार खोल लिया, उस व्यापार में काफी उन्नति प्राप्त कर ली, इतनी ज्यादा कि अब सेठ बन बैठे। पहले सगला कहवे नरसिंह नरसिंह, अब पाछे जब से व्यापार खोला है उन्नति प्राप्त होने लगी है तो सब कहते हैं नरसिंह सेठ, नगर के सेठ बन गए हैं। चारों धाम में नरसिंह जी के नाम की हुंडी चालन लगी। तो इस तरह से नरसिंह जी जो है वो सेठ बन गए। पाछे नरसिंह जी रो ब्याह करा दियो जो मनिकबाई नामक सुंदर व सुशील कन्या से, काफी साधारण थी और पहले के समय में ये रीत थी, बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। तो इसलिए नरसिंह जी रो भी विवाह जल्दी हो गया है। अब इसके बाद पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वापस आ रहे हैं, मतलब पहले जो नरसिंह जी ने सदाव्रत भंडारा चलाया था उसी तरह से अब इस जन्म में भी सदाव्रत भंडारा आरंभ कर दिया है। उसके बाद नरसिंह जी के यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री जन्म लेते हैं। जो पुत्र होवे छोरो होवे उरो नाम श्यामल दास रखा जाए, पाछे जो डीकरी होवे छोरी होवे उरो नाम हरनंदी बाई रखो जाए। पण घरे में सबसे छोटी होने के कारण उन्हें सगला नानी बई के, घर में सबसे छोटी है तो इसलिए उनको सब नानी बई कह करके पुकारते। अब महाराज जो नानी बई है वो भी थोड़ी बड़ी होती है, जैसा मैंने कहा पहले के समय की रीत थी, बचपन में थोड़े से बड़े हुए विवाह करवा दो, खास करके कन्याओं का विवाह जल्दी हो जाया करता था, बाल विवाह जिसे कहते हैं। तो अब नानी बाई थोड़ी बड़ी होती है, उसके बाद नरसिंह जी नानी बाई रो ब्याह तय कर देते हैं। क्योंकि देखिए नरसिंह जी बहुत बड़े सेठ हैं तो नानी बाई रो विवाह भी छोटे मोटे घरे तो हो ही कौन। तो नानी बाई रो विवाह तय होवे श्रीरंग जी रे घर नगर अंजार में। अब जो श्रीरंग जी हैं वो भी बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, काफी धन संपत्ति है, नगर अंजार में काफी नाम है श्रीरंग जी। अब महाराज जो नानी बाई हैं उनका विवाह तय हो चुका है, बड़े ही धूमधाम के साथ नानी बाई का विवाह होता है।